नमस्कार, मैं पिंकी सहगल, आप देख रहे हैं पैंकर न्यूज। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के सीएम आवास के रिनोवेशन में खर्च किए गए करोड़ों रुपए को लेकर दिल्ली में शुरू हुआ राजनीतिक भूचाल कम होने का नाम नहीं ले रहा है। इसे लेकर जहां एक तरफ बीजेपी केजरीवाल सरकार पर खूब निशाना साध रही है और केजरीवाल के इस्तीफे की मांग कर रही है, वहीं दूसरी तरफ अब इसमें कांग्रेस की एंट्री होने के साथ ही एक नया मोड़ आ गया है। जी हां, दरअसल कांग्रेस नेता अजय माकन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सीएम केजरीवाल पर कई गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि केजरीवाल का महल 45 करोड़ नहीं बल्कि 171 करोड़ का बना हुआ है। आज मैं नए खुलासे के साथ में आप सब लोगों के माध्यम से दिल्ली की जनता को कुछ बताना चाहता हूं। ये मात्र 45 करोड़ का खर्चा नहीं है, केजरीवाल जी के महल पे मात्र 45 करोड़ नहीं खर्च हुए, केजरीवाल जी के महल पे 171 करोड़ रुपया खर्च हुआ। 171 करोड़ रुपया पब्लिक का पैसा, कोविड के समय में, ऐसे समय में जब दिल्ली के अंदर लोग ऑक्सीजन को तरस रहे थे, हॉस्पिटल्स को तरस रहे थे, हॉस्पिटल बेड्स को तरस रहे थे, गरीब आदमी खाने को तरस रहे थे, 171 करोड़ का खर्चा केजरीवाल जी के महल पे हुआ है, 45 करोड़ नहीं। और अब आपको बताता हूं ये 171 करोड़ रुपया कैसे। केजरीवाल जी का जो मकान है 6 फ्लैगस्टाफ रोड, इसके बाजू में 4 और मकान पड़ते हैं, 45 राजपुर रोड, 47 राजपुर रोड, 8A फ्लैगस्टाफ रोड, 8B फ्लैगस्टाफ रोड, इन सभी जगहों के ऊपर मिलाकर के 22 ऑफिसर्स के फ्लैट्स हैं और 22 ऑफिसर्स फ्लैट्स में से 15 खाली और 22 ऑफिसर्स फ्लैट्स में से 15 खाली करा दिए गए हैं या तोड़वा दिए गए हैं और 7 को के बारे में ये इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं कि अब ये दोबारा अलॉट नहीं होंगे, ये बहुत जल्द वेकेट होने वाले हैं। और अब जब ये 22 ऑफिसर्स जब फ्लैट्स की जब कमी हो रही है, उस कमी को भरपाई करने के लिए केजरीवाल साहब की सरकार ने कॉमनवेल्थ गेम्स विलेज में 21 फ्लैट्स टाइप 5 के 21 फ्लैट्स खरीदे हैं, जिसकी हरेक की कीमत लगभग 6 करोड़ रुपया पड़ रही है। तो जो 21 टाइप 5 फ्लैट्स खरीदे जा रहे हैं, ताकि ये जो 22 ऑफिसर्स के फ्लैट्स जब कम हो जाएंगे तो वो भी तो केजरीवाल जी के महल के अंदर उसकी कीमत भी डालनी पड़ेगी, क्योंकि अगर केजरीवाल जी के मकान को फैलाया जा रहा है, बड़ा करा जा रहा है और ऑफिसर्स के फ्लैट्स गिराए जा रहे हैं, खाली कराए जा रहे हैं और उसकी भरपाई दिल्ली की जनता के जेब से जा रही है, तो इसका जवाब भी तो केजरीवाल जी को देना पड़ेगा। और 121 करोड़ रुपया, 126 करोड़ रुपया इसमें और 45 करोड़ रुपया केजरीवाल जी की खुद के महल को बनाने में, कुल 171 करोड़ रुपया इसके अंदर खर्च हुआ। तो आपने देखा, सरकारी बंगले पर हुए करोड़ों के खर्च के खुलासे के बाद से ही दिल्ली की केजरीवाल सरकार फंसती जा रही है। एक तरफ जहां बीजेपी इस मुद्दे को लेकर केजरीवाल सरकार को बुरी तरह घेर रही है, वहीं दूसरी तरफ अब तो कांग्रेस ने भी हल्ला बोलना शुरू कर दिया है। बीजेपी से भी 2 कदम आगे जाते हुए कांग्रेस ने जहां केजरीवाल पर अपने बंगले के रिनोवेशन पर 171 करोड़ रुपए खर्च करने का आरोप लगाया है, वहीं इस मामले को लेकर राजभवन तक जाने की तैयारी कर ली है। इस खबर में फिलहाल इतना ही, अभी के लिए मुझे दीजिए इजाजत। साथ ही देश और दुनिया की तमाम छोटी बड़ी अपडेट से जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें पैंकर न्यूज को।